अगर मैं आपसे कहूं कि बेहद क्यूट दिखने वाले पेंगुइन्स हमारे और आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद एक वक्त के लिए तो नहीं। इतना ही नहीं, आप कहेंगी कि ये क्या मजाक करते हो साहब, लेकिन जब हमें पता चला कि पेंगुइन्स हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो भी जिम्मेदार है, तो हम हैरान रह गए। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको पेंगुइन से जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पेंगुइन्स जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होती है और मोस्टली ठंडे इलाकों में ही पाई जाती है, एंटार्क्टिका और उसके आसपास के एरियाज इन बर्ड्स को सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे पेंगुइन्स साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भी दिखाई देती है, और जहां जहां ये रहती है वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बर्ड्स जिस तरह के टेम्परेचर में रहती है वहां शायद हम और आप 5 मिनट में ही जम जाएंगे। वैसे गौर करने वाली बात तो ये है कि पेंगुइन्स बाकी बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकती, पर ये स्विम करने में एक्सपर्ट होती है और पानी में -1.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी स्विम कर सकती है। मतलब ऐसे पानी में हम स्विम तो छोड़िए, अगर उतरने की हिम्मत जुटा पाए तो नानी याद आ जाएगी। एक और खास बात, पेंगुइन डीप सी में 850 फीट तक जा सकती है। गजब की बात तो ये है कि अब तक सबसे ज्यादा डीप सी में स्विम करने वाली पेंगुइन का रिकॉर्ड 1750 फीट है। मतलब हम इतने ठंडे पानी में उतर भी नहीं सकते और ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए पड़ी है। वैसे इतना जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ समुद्र में रहना पसंद करती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेंगुइन्स जितना वक्त पानी में बिताते हैं उतना ही उन्हें जमीन भी भाता है। फूड, अगर बात की जाए पेंगुइन्स के खाने की, तो ये सी फूड और क्रिल्स जैसी चीजें कंज्यूम करती है, लेकिन कई बार पेंगुइन्स खाने की तलाश में लेपर्ड सील्स, सी लायन, शार्क और किलर व्हेल्स का शिकार भी बन जाती है। और यही वजह है कि पेंगुइन्स रात के समय समुद्र के गहरे पानी में नहीं उतरती है। वैसे पेंगुइन्स इंसानों के पास आने से नहीं डरती, यानी कि वो आपको और हमें अपने लिए खतरा नहीं मानती। स्पीशीज, पेंगुइन्स की केवल साउथ हेमिस्फीयर में ही 45 स्पीशीज पाई जाती है, जिनमें से एम्परर पेंगुइन दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगुइन्स की सबसे बड़ी स्पीशीज है, जो 48 इंचेस तक बड़ी हो सकती है और इनका वेट 22 से 45 किलो तक हो सकता है। ये बर्ड्स खुद को गर्म रखने के लिए एक झुंड में रहती है। वही अगर बात की जाए दुनिया में पाए जाने वाली सबसे छोटी पेंगुइन स्पीशीज की, तो उसका नाम ब्लू पेंगुइन है, जो लंबाई में महज 10 से 12 इंच तक बड़ी हो सकती है और इनका वजन 1.5 किलो तक होता है, जो लगभग 6 सालों तक ही जी पाती है। ये तो बात हो गई दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी पेंगुइन की, लेकिन दुनिया की सबसे तेज स्विम करने वाली पेंगुइन जेंटू है, जो पानी में 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्विम कर सकती है। वैसे अभी तक तो हमने अलग अलग तरह की पेंगुइन स्पीशीज की बात की, लेकिन अब बारी है ये बताने की कि पेंगुइन्स एंटार्क्टिका के लिए थ्रेट क्यों है। दरअसल साइंटिस्ट ने सैटेलाइट की हेल्प से पेंगुइन्स को देखना स्टार्ट किया है। सैटेलाइट्स एंटार्क्टिका के क्यूवर विले आइलैंड को कवर कर रही है, जहां पर कुछ अजीब तरह के धब्बे पाए गए हैं, जो पहली नजर में जमीन पर बने निशान नजर आते हैं। लेकिन ये अजीब तरह के धब्बे पेंगुइन पूप यानी कि पेंगुइन का मल है। बताया जाता है कि पेंगुइन का डाइजेशन बेहद अजीब तरह का होता है और ये पूप करते रहते हैं। अगर आप इनके करीब जाकर इनसे दूरी बना लेते हैं, तो तब भी ये आपके शरीर तक पूप गिरा सकते हैं, क्योंकि इनका पूप लगभग 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग 51 इंच दूर जाकर गिरता है। नेस्टिंग पीरियड के समय ज्यादातर स्पीशीज आइलैंड पर आते हैं। ऐसे में इन धब्बों को देखकर पता लग जाता है कि पेंगुइन्स के नेस्ट कहां पर है। रिसर्चर्स यहां सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन्स की डाइट और उनके बच्चों का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन एक चीज ऑब्वियस है कि पेंगुइन्स जहां पर होंगी उसी के आसपास अपना वेस्ट भी फैलाएंगी। ऐसे में वह आइलैंड के जिस जिस हिस्से में जाते हैं वहां गंदगी फैला देते हैं। हालांकि पेंगुइन्स के वेस्ट मटेरियल या पूप निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कान खड़े करने वाली बात तो ये है कि इस वेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। एक्चुअली पेंगुइन्स नाइट्रोजन रिच फूड्स खाते हैं, जैसे फिश, क्रिल्स एंड ऑल।
और यही सब खाने की वजह से ये बर्ड्स लार्जेस्ट क्वांटिटी में नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि इस गैस की वजह से एंटार्क्टिका के आसपास ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। चिंताजनक बात तो यह है कि पेंगुइन के पूप से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा खतरनाक है, और क्योंकि पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में लगातार इस गैस को फैला रहे हैं, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा एंटार्क्टिका पर सबसे पहले देखा जा सकता है। अब एक अंदाजा लगाया गया है कि धरती पर मौजूद जितने भी ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघल गए तो सी लेवल 213 फीट तक पहुंच जाएगा, यानी हमारी धरती पहले से भी ज्यादा पानी पानी हो जाएगी, और फिर फ्लोरिडा और गल्फ कोस्ट एरियाज पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे देश के भी कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। तो अब तक आपको इस बात का पता लग गया होगा कि पेंगुइन इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। अब जरा पेंगुइन्स की सबसे बड़ी और छोटी प्रजाति के बारे में थोड़ा इन डेप्थ में जान लेते हैं। एम्परर पेंगुइन लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज है, और ये पेंगुइन 1.07 मीटर तक बढ़ सकती है, और अगर बात की जाए इनके वजन की तो ये 23 से 36 किलो तक हो सकता है। ब्रीडिंग के वक्त एम्परर पेंगुइन अपने साथी को ढूंढने के लिए गाना गाते हैं। ये बर्ड्स मेटिंग ज्यादातर ठंडे मौसम में ही करते हैं, जिसके बाद फीमेल पेंगुइन अंडे देती है और मेल पेंगुइन को सौंप जाती है, जो उसे अपनी बॉडी के अंदर छिपा कर रखता है, जिससे कि अंडा गर्म बना रहे। एक मेल पेंगुइन ऐसा लगभग 64 दिनों तक करता है। खास बात यह है कि अगर पेंगुइन का बच्चा इनसे दूर हो जाए या मर जाए तो ये दूसरे अनाथ पेंगुइन्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। लगभग 150 दिनों की हैचिंग के बाद एम्परर पेंगुइन के बच्चे एक नए ग्रुप में आ जाते हैं, जिसे क्रेचेस भी कहते हैं, और इसी वक्त ये बच्चे अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ देते हैं, और फिर बच्चे सी वाटर में पहली बार गोता लगाते हैं। ये सब प्रोसेस दिसंबर और जनवरी के महीनों के आसपास होता है। सिर्फ 20 साल जिंदा रहने वाले एम्परर पेंगुइन अपने बच्चों को पैरों के पास वाले हिस्से पर रखते हैं, जिससे कि उनके बच्चे आइस के टच में ना जा पाए। अपनी इसी तकनीक की वजह से इन पेंगुइन के बच्चे शिकारी जानवरों से भी बचे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बर्ड्स शिकारी जानवरों के डर से पानी में ही नहीं उतरते, बल्कि इससे ठीक उल्टा है। ये खाने की तलाश में अक्सर पानी में उतरते रहते हैं और लगभग 2000 फीट की गहराई तक जाकर खाने की तलाश करते हैं। एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन्स ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, क्योंकि इनको पानी के पास रहकर खाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। लिटिल ब्लू पेंगुइन, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेंगुइन, दुनिया की सबसे छोटी पेंगुइन स्पीशीज जो कि ब्लू पेंगुइन है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये सिर्फ 33 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकती है और इनका वजन 1 किलो तक हो सकता है। इन बर्ड्स की एज लगभग 6 से 7 साल तक हो सकती है, लेकिन काफी समय पहले एक पेंगुइन 25 सालों तक भी जिंदा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। आज के समय में इस तरह के पेंगुइन्स की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। ये पेंगुइन स्पीशीज कोल्ड एटमॉस्फेयर पसंद करती है, और अगर बात की जाए इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस की तो ये बर्ड्स 2 to 3 इयर्स की एज से मेटिंग रेडी हो जाते हैं। ये पेंगुइन मई से फेब तक मेटिंग करते हैं, और मेटिंग के बाद ये हर साल लगभग 4 बच्चे पैदा करते हैं। इन नए जन्मे बच्चों के पेरेंट्स लगभग 3 वीक्स तक इनकी देखभाल करने के बाद बच्चों के लिए खाने की तलाश करने निकलते हैं। वैसे नन्हे बच्चे बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं और लगभग 8 सप्ताह में ही अपना घोंसला छोड़ देते हैं। आपको बता दे कि ये बर्ड्स रेत में गड्ढा खोदकर या फिर चट्टान में कोई होल देखकर वही अपना आशियाना बना लेते हैं। अपनी स्पीशीज की बाकी पेंगुइन्स की तरह ही इन बर्ड्स को भी शिकारी जानवरों का खतरा बना रहता है, और ज्यादातर इनका शिकार शार्क और सी लायन जैसे पानी में रहने वाले जानवर करते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनका घर जमीन पर या चट्टान पर होता है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनको जमीन पर रहने वाले जानवरों से भी बचना पड़ता है।
उम्मीद है पेंगुइन से जुड़ा ये मजेदार वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा पेंगुइन और उससे जुड़ा फैक्ट आपको पसंद आया और सरप्राइजिंग लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।